Hello students, good morning. Welcome to Guruniti cum previous year paper for JE Main. ठीक है, तो इसमें अपना यूनिट 7 है. आज यूनिट 7 के क्वेश्चन करेंगे अपन, जिसमें अपना टॉपिक है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम CLC, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है. लेट दी लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = 4x बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ दी टू द टू सर्कल दिस एंड दिस. दो सर्कल अपने को गिवन है C1 एंड C2, और वो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उन दोनों की जो रेडियाई है दैट आर सेम, वो सेम है. तो कह रहा है कि बताओ यदि इसकी लेटर सेक्टम की लेंथ क्या है, कॉमन कॉर्ड के इक्वल है, तो बताओ क्या बताना है अपने को लास्ट में. देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स. तो एक काम करूं मैं, दो सर्कल बना लें अपन पहले, ये दिस इज द फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज द सेकंड सर्कल, एंड दे हैव सेम रेडियस. तो देखो रेडियस कितना दिखा है अपने को, 2√5. तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगी, यही तो होगी. इसको मैं नाम देता हूं ए बी, और इसको सेंटर मान लेते हैं अपन C1, इसका सेंटर मान लेते हैं C2, एंड ही इज आस्किंग अबाउट दिस C1 C2. तो शुरू करते हैं, देखो ध्यान से आप. सबसे पहले अपने को रेडियाई दी रखी है कितना, 2√5, 2√5 अपने को निकालना है C1 C2. बहुत आसान है क्वेश्चन. आप ये बताओ कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, कॉमन कॉर्ड किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पैराबोला कितना है अपने पास, LR इक्वल है 4K, याद है ना, 4AX में क्या होता है, 4A होता है ना. तो लेटर LR कितना है अपना 4, और LR 4 है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि लेंथ ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड इज 4. ये लेंथ कितनी है 4. अब आपको पता है कि जब अपन इसको दोनों को ट्रायंगल्स को लेंगे, कौन कौन से, BC1 C2 एंड AC1 C2, तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि ये लेंथ क्या है, इसके इक्वल है, सेम है. ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल ले सकते हैं ना आराम से. ये भी 2√5 है, ये भी 2√5 होगी, है ना, ये एंगल 90 डिग्री का आता है, ये तो पता है ना. तो ये लेंथ थी इसके इक्वल है, और कंप्लीट लेंथ कितनी अपनी, ए बी 4 है. तो ये बताओ मेरे को, इसको नाम मैं देता हूँ एम, तो एम बी कितना आ जाएगा आपके पास, एम बी आ जाएगा 4 का हाफ 2, और 4 का हाफ 2 आ गया, तो ये लेंथ होगी 4 2, और ये एंगल 90 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस का स्क्वायर को माइनस कर दोगे किसमें से, 2√5 के स्क्वायर में से, तो कितना आ जाएगा लेंथ ऑफ C1m, और लेंथ ऑफ C1m आ जाएगी, तो वहां से क्या निकाल सकते हैं अपन आराम से, लेंथ ऑफ C1 C2 डबल कर दोगे ना सीधे. ये पता ही नहीं पता अपने को, है ना, बता दूं मैं थोड़ा सा, ये हाफ क्यों होती है. देखो ये तो अपने को पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना, ये लेंथ इसके इक्वल, ये लेंथ इसके इक्वल, और ये साइड क्या हो जाएगी कॉमन, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट होने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लो ट्रायंगल ले लो आप, कौन कौन से ट्रायंगल ले लो आप, ट्रायंगल ले लो इसमें ये वाला ले लो और ये वाला ले लो, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड्स क्या हो गई, सेम इक्वल, ये कॉमन हो गई. और क्या ले सकते हो आप इसमें, पहले एस अपन ने क्या किया था, दोनों ट्रायंगल बड़े वाले कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो ये एंगल किसके इक्वल रहा होगा इसके, तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू दिस, उससे आ जाएगा ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे. ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इट विल बिहेव एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन, C1 C2 फॉर AB. क्लियर होगी बात. अब आगे चलें, तो बताओ कर लोगे, 2√5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो ये आ गया 20, और ये कितना आ रहा है अपना 4, तो 20 - 4 कितना हो गया 16 16 का अंडर रूट 4. तो आप आराम से निकाल लेना, C1m की लेंथ आ रही है आपकी 2√5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 16, तो C1m का स्क्वायर आया है, तो C1m कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो उसका डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8, कौन, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स. चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 8 4 का डबल कितना हो गया 8. चलो नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर. सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, लेट E1 एंड E2 बी द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द इलिप्स दिस एंड दिस. एक इलिप्स दे रखा है और एक अपने को हाइपरबोला दे रखा है, और इसकी एसेंट्रिसिटी क्या है E1 एंड E2. इसकी एसेंट्रिसिटी है E1 और इसकी एसेंट्रिसिटी अपने पास E2, एंड ही सेइंग दैट बी इज लेस देन 5. बी लेस देन 5 का मतलब क्या हो गया कि जो माइनर एक्सिस है वो कौन है, बी, है ना, ये बी स्क्वायर, है ना, क्या शो कर रहा है कि ये कैसा इलिप्स रहा होगा, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो अब ये क्या कह रहा है आपसे, और दोनों का प्रोडक्ट कितना रखा है अपने को, 1 दे रखा है. अब क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टेंसेज बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला रेस्पेक्टिवली. ओके, जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकाई, है ना. और क्या कह रहा है, देन द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू. चलो करते हैं, तो सबसे पहली बात तो मेरे को ये समझ आ गई कि बी की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन. क्या निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू. चलो बी की वैल्यू निकालते हैं, तो बताओ E1 E2 यदि इसकी एसेंट्रिसिटीज हैं, तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 - b² / 25,
एंड ई टू कितना आ जाएगा अपना, ई टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16, हाइपरबोला है, ठीक है। तो ई वन ई टू कितना है, माइनस वन नहीं प्लस वन, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ई वन इंटू ई टू बताओ क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, वन माइनस बी स्क्वायर बाय 25 इंटू वन प्लस बी स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू वॉट, वन, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग करते ही क्या हो जाएगा अपने को बी की वैल्यू मिल जाएगी। चलो बी को सॉल्व कर लें डायरेक्ट, क्या रहने वाला है ये आ जाएगा मेरे ख्याल से बी स्क्वायर बाय 16 माइनस बी स्क्वायर बाय 25, प्लस का 1 आएगा और माइनस का बी की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा ये 250 150 400 ये आ जाएगा 400 इक्वल टू में 1 है तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी की वैल्यू 0 तो होगी नहीं है ना, बी की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा बी को गायब कर दो, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो कंप्लीट, तो क्या बचेगा अपने पास 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 25 कितना गया 9 अपॉन 25 इंटू 16 ये आ जाएगा 9 अपॉन 25 इंटू 16 और इक्वल टू में क्या चला जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 400 तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 9, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या करोगे बताओ, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो अपने को क्या मिल गई, इसकी माइनर एक्सिस मिल गई, तो एक काम करते हैं अपन, क्या करें बताओ, अब अपन को क्या निकालना था, अल्फा कॉमा बीटा, ओके, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, और फोकाई क्या होती है एलिप्स के केस में, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, दोनों के केस में क्या होगी, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, तो उसको निकाल लो आप, तो प्लस माइनस यहीं लिख दूं मैं ना, चलो नेक्स्ट पेज ले लें, चलो है ना, चलो अब यहाँ जाओ, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, ये क्या आ गई आपकी फोकस, फोकस क्या होगा अपने डिस्टेंस निकालना है, तो एफ वन एफ टू डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकस निकालना है, तो पहले ए ई निकाल लो आप, तो ए ई कितना रहा है बताओ जरा, ए ए कितना है इसमें, कितना था ए, ए था अपना 25 था है ना, 25 इंटू ई, ई कितना आया था अभी, ई वन, ई वन आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 रखोगे तो ये आ जाएगा 4/5, सही है ना, 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ गया, तो क्या हो जाएगा ये कुल मिला के 20 हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना, ए, अच्छा ए लेना था ना अपने को, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा ना, ए स्क्वायर था 25, तो ए कितना आ गया, तो कुल मिला के ये आ गया आपका 4, कितना आ गया 4, कौन आ गया ये, ए ई आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकाई क्या हो जाएगा 4.0 एंड -4.0, एफ वन और एफ टू क्या आ गया आपके 4.0 एंड -4.0, ये तो क्लियर है सबको, अब बस निपटा दो जल्दी से, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये डिस्टेंस हो जाएगा 8, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये तो अल्फा आ जाएगा, और ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे बीटा निकाल लोगे, बीटा भी कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, तो वो भी उसमें केस में कितना था 16 था शायद उसमें ना, देखो जरा क्या था, ये था 16, तो कर लोगे इसको आप आराम से, अब कर लोगे ए ई कॉमा जीरो, तो क्या हो जाएगा इसके केस में 4 इंटू ई, ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा हाइपरबोला का 1 प्लस था ना, तो प्लस से तो क्या 5/4 हो जाएगा उल्टा है ना, क्योंकि 1 अपॉन ई, समझ गए ना, इस वाले रिलेशन से ई वन इंटू ई टू कितना है 1, तो ई टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन ई वन, तो ये कितना हो जाएगा 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके केस में ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका फोकस, इसको मान लेते हैं अपन एफ टू है ना, एफ टू एंड एफ टू डैश कर लोगे आराम से, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा था अपना, इनके अल्फा कितना आ रहा था अपना, अल्फा आ रहा था 8, यहाँ जाओ, और बीटा कितना आ जाएगा बताओ प्लस माइनस 5.0 क्लियर, और प्लस माइनस 5.0 है तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस बीटा 10 हो जाएगा, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस, तो अल्फा आ गया 8 एंड बीटा आ गया 10, चलो ऑप्शन देखें अपने को क्या निकालना था, अल्फा कॉमा बीटा निकालना था, तो फटाफट से अपन, यस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, अल्फा कॉमा बीटा पेयर पूछ रहे हो आपसे, तो अल्फा है अपना 8 और बीटा है अपना 10, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्लियर है बात, चलें आगे नेक्स्ट, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, यस क्वेश्चन नंबर 3, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, तो है ना एलिप्स कैसा है हॉरिजॉन्टल, बी अ गिवन, बी द गिवन एलिप्स लेंथ ऑफ हुज लेटर सेक्टम इज 10, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना देखा है अपने को 10, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होता है 2b स्क्वायर अपॉन a होता है, ठीक है ना, तो यहीं से लिखते चलते हैं अपन, है ना, क्या हो गया देखो लिख लो 2b स्क्वायर अपॉन a कितना हो गया 10 हो गया, चलो नेक्स्ट, इफ द एसेंट्रिसिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है अपनी, वो क्या है एसेंट्रिसिटी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे आप,
आगे क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो एक काम करते हैं पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालें फंक्शन की। तो बताओ फाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको बताओ, इस फंक्शन को होल स्क्वायर बना लें अपन, या आपको याद होगा माइनस डी अपॉन फोर ए, माइनस डी अपॉन फोर ए से भी अपने को क्वाड्रेटिक की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। यदि कोई भी क्वाड्रेटिक है आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है वो देता है अपने को माइनस डी अपॉन फोर ए, इट डिपेंड्स ऑन द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि वो पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू देगा, यदि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, दैट इज ए लीडिंग कोफिशियंट क्या है नेगेटिव, तो उस केस में वो क्या देगा आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना, कौन माइनस डी अपॉन फोर ए। तो चलें, तो किससे कर लें बताओ, किसी से कर लो, वैसे परफेक्ट स्क्वायर बना लो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो माइनस एन कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा माइनस का टी प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का फाइव बाई ट्वेल्व, बना लो होल स्क्वायर बना लो, है ना, तो क्या हो जाएगा टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, फाइव बाई ट्वेल्व, तो सॉल्व करो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे ख्याल से टी माइनस हाफ, ये तो माइनस का हो जाएगा टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर और ये प्लस के हो जाएंगे दोनों, एलसीएम लो कितना आ जाएगा तीन और पाँच आठ, एट एट बाई ट्वेल्व आ गया, सही है, ये प्लस का हो गया है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये बताओ मेरे को आप कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन माइनस एन आ गया रहा है तो क्या होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई एट टी बराबर हाफ। लेकिन इसकी अपने से क्या पूछ रहा था मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जीरो है, जीरो में एड करो कितना एट बाई ट्वेल्व, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइव मैक्स कितना आ गया अपने सामने, फाइव मैक्स आ गया एट बाई ट्वेल्व, तो फाइव मैक्स आ गया एट बाई ट्वेल्व, इसका मतलब इसको अपन लिख सकते हैं कितना फोर टू जा एट टू बाई थ्री, है ना, एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई टू बाई थ्री आ गई इसका मतलब, तो कर लोगे आराम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लें ई इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ई कितना आया है अपना टू बाई थ्री, तो यहाँ से क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आ गया बताओ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जाएगा वन माइनस ई स्क्वायर यानी कि फोर बाय नाइन, तो सॉल्व कर लो इसको कितना आ गया फाइव बाई नाइन आ गया, ये कौन आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आप कैलकुलेट कर लो क्या निकालना था अपने को बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था, तो ए तो कर लोगे इसको आराम से, अब बताओ नहीं कर पाओगे कर सकते हो आराम से, ई की वैल्यू कितनी होगी अपनी टू बाई थ्री, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया अपना फाइव बाई नाइन, तो इसका मतलब क्या है सीधे कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फाइव बाई नाइन है, तो इसको आप क्या करना लेंथ ऑफ लेटर लेटर सेक्टम जो दे रखी थी अपने को टेन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो देखो जरा देखो आ जाओ 2b स्क्वायर अपॉन a को मैंने क्या किया a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, a से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो a 2a * b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 10, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना था अभी अपना 5/9, तो क्या हो जाएगा 90/5, तो 90/5 को सॉल्व कर लो आप 90/5 आएगा, एक मिनट b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना 5/9, तो 90/5 हो गया, तो सॉल्व कर लो इसको, तो ए कितना आ गया यहाँ से ए आ गया अपना 45, 5/9 जब 45, ए की वैल्यू आ गई 9, ए की वैल्यू 9 आ गई तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यहाँ तक बात क्लियर है, तो ए स्क्वायर यदि 81 आ गया अपने को क्या निकालने को रह गया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आप 81 यहाँ रख दो, तो 9/9 जा 81, 9/5 जा 45, तो कुल मिला के बी स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना 45, दोनों का सम कर लो कितना आ रहा है 81 प्लस 45 यानी कि कितना हो गया 40 और 80 120 और 6 126, तो ये हो गया 126, ये हो गया 126, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। चले आगे नेक्स्ट, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ में देखो क्या कह रहा है आपसे, लेट पी 3.3 बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला दिस, इफ द नॉर्मल टू इट एट पी इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 9.0 एंड ई इज द एसेंट्रिसिटी देन ऑर्डर्ड पेयर ए स्क्वायर कॉमा ई स्क्वायर क्या होगा, तो एक काम करें पहले अपन देखो, सबसे पहले एक बात सोचो छोटी सी, आपको पॉइंट दिखा है और हाइपरबोला के बिने, तो ए स्क्वायर और ई स्क्वायर निकालने हैं अपने को, तो इसेंट्रिसिटी और ए बी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या सोचो कि ये जो पॉइंट है उस पर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली जाए, क्योंकि अपने से क्या कह रहा है वो 9.0 पर इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो चलो तो पी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन, आप नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हो हाइपरबोला के लिए, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके केस में क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, एलिप्स में। अब बताओ x1 y1 क्या है यहाँ पर 3.3, तो
तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन थ्री माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन थ्री इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? अब इसमें ये क्या कह रहा है, ये क्या गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इट इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, पॉइंट 9,0, तो इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सो वी कैन पुट हियर 9 एंड वी कैन पुट हियर 0, सो फ्रॉम दिस वी विल गेट 9, पुटिंग 9 वी विल गेट 3a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ ऑन सिंपलीफाइंग यू विल गेट 2a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, सो वी हैव अ रिलेशन 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब अपने को देखो क्या पता है, अपने को ये भी पता है साथ में कि ये जो e इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स एंड a स्क्वायर स्क्वायर, ठीक। अब अपने क्या करते हैं, थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। अपने को पता है e स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या एक काम और कर लिया जाए 2 ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देखते हैं। तो पहले क्या करें अपन, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपको, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2, सॉरी हाइपर बोला है, क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो अपने को एसेंट्रिसिटी कितनी मिल गई, रूट 3, एसेंट्रिसिटी कितनी मिल गई अपने को, रूट 3, तो एसेंट्रिसिटी आपको मिल चुकी है दैट इज रूट 3, और अपने पास रिलेशन मिल चुका है 2a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है वो किस पर है, पैराबोला के ऊपर है, तो क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक काम करें इसको सेटिस्फाई करा दें, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक मिनट के लिए, आ जाओ। तो देखो आ जाओ, तो 3,3 सेटिस्फाई करेगा इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, 3,3 पुट करो इसमें तो क्या मिल जाएगा आपको, 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मिल गया, ये अलग है ना, और क्या मिल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। अब यहाँ पे आप क्या लिख दो, बी स्क्वायर की जगह 2 ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे हाफ ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 में से हाफ गया तो कितना बचा, हाफ बचेगा, तो 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर बचेगा यहाँ से सॉल्व करोगे तो आप, तो 1 अपॉन 9, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से, क्या आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है यहाँ से 9/2, तो ए स्क्वायर मिल गया आपको, ई मिल गया आपको, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को लिख दो 2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, तो आपके सामने ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और ई स्क्वायर आ गया, आंसर क्या आ जाएगा अपना, ए स्क्वायर कॉमा ई स्क्वायर यानी कि 9/2,3, 9/2,3। चलते हैं लौट कर अपने क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 9/2,3 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है चले आगे नेक्स्ट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ओके डिलीट, देखो क्या कह रहा है आपसे, लेट x इक्वल टू 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स टू एन एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, कभी भी किसी एलिप्स का ओरिजिन पर है सेंटर, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली है आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज हाफ, इसेंट्रिसिटी कितनी है इसकी, हाफ। आगे चलते हैं, इफ पी 1,β, ये जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है किस पर, एलिप्स पर, तो 1,2 क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करा दो आप, तो 1,2 सेटिस्फाई करा देंगे, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1,β, तो यहाँ आ जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, इसको बस आप रख लो संभाल कर, ठीक है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसमें अपने पुट कर दिया है 1,β। तो बताओ e की वैल्यू अपने पास है, अपने को कह रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए अपने को p पर, तो क्या करें अपन इक्वेशन नॉर्मल निकालने के लिए, पहले तो ये बताओ मेरे को आप, p पॉइंट अपने को पता नहीं है, तो इक्वेशन नॉर्मल तो लिख देते आप, क्या लिख देते, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या है अपने को बीटा नहीं पता, तो बीटा पता कर लें पहले, चलो बीटा यहाँ से आएगा, बीटा यहाँ से लाने के लिए ए और बी चाहिए अपने को, तो ए और बी अपन यहाँ से निकाल लेते हैं एसेंट्रिसिटी से। चलो देखो सबसे पहले बताओ आपको क्या दे रखा था स्टार्टिंग में, x इक्वल टू 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स, तो मेरे को एक बात बताओ आप, ये एलिप्स मैंने मान लिया, इसका सेंटर कहाँ पर है, 0 0, x इक्वल टू 4 है ना इसकी डायरेक्ट्रिक्स, तो ये वाली होगी x इक्वल टू 4, क्लियर बात। अब आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसमें एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लिखते हैं अपन, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन ई, और ये किसके इक्वल दिखाया इन्होंने 4 के, तो यहां से ई की वैल्यू यदि हाफ है, ई की वैल्यू यदि हाफ है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 2 आ जाएगी, और ए की वैल्यू 2 आ गई यानी कि ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
और आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप इलिप्स के लिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलो कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 बाई 4, तो अपन कह सकते हैं 1 माइनस 1 बाई 4 तो ये आ जाएगा 3 बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3। इसको आप सॉल्व कर लेना, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3। कैसे सॉल्व करोगे, e की वैल्यू हाफ, a की वैल्यू 2 यहां रखनी है आपको, ठीक है। तो b की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। अब आपके सामने बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर आ जाएगा 4, इसको यहां पुट करके बीटा निकाल लोगे आराम से। चलो तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 1 अपॉन 4 बी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन 3, कर लें सॉल्व इसको थोड़ा सा और बताओ क्या आएगा। देखो नेक्स्ट, हाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना आया था 4, बी स्क्वायर कितना आया 3, इक्वल टू कितना है 1, तो बीटा स्क्वायर आ रहा है यहां से 3 बाई 4, 9 बाई 4 आ गया, बीटा स्क्वायर आ रहा है 9 बाई 4, और बीटा क्या कह रहा था वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो बीटा की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे यहां से 3 बाई 2 लिख लेंगे, और बीटा की वैल्यू यदि 3 बाई 2 लिखोगे आप तो बीटा की वैल्यू 3 बाई 2 कहां पुट करनी है आपको, 1 कॉमा बीटा में, तो पॉइंट पी मिल गया अपने को क्या, 1 कॉमा बीटा मिल गया 1 कॉमा 3 बाई 2, तो ये पॉइंट मिल गया अपने को 1 कॉमा 3 बाई 2, तो एक काम कर लें अपन छोटा सा, 1 कॉमा 3 बाई 2 मिल गया, तो ये बताओ मेरे को 1 कॉमा 3 बाई 2 पॉइंट मिल गया है, तो पॉइंट इक्वेशन क्या हो जाएगी नॉर्मल की, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए और बी आपको बताइए 4 और 9, कर लोगे सॉल्व आराम से, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट, देखो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका 4x माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक है ना, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा जाएगा इसमें, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे सॉल्व आराम से, है ना। आगे चलते हैं, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्या कह रहा है, इफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर बराबर 4y ऑल्सो टचेस द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू c स्क्वायर, देन c इज इक्वल टू, तो c की वैल्यू क्या होगी, तो अब इसकी कॉमन टेंजेंट क्या है, सर्किल को टच कर रही है, तो पहले कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने अपन आराम से, तो अब आपको पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x की कॉमन टेंजेंट क्या लिखते हैं अपन, y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, यहां पर आप ध्यान से देखो तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है दोनों की, तो a की वैल्यू यदि 1 है तो सीधे लिख दूं मैं इक्वेशन, क्या हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस 1 अपॉन m, और यहां पर क्या आ जाएगी y इक्वल टू mx माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, ऑल्सो टच द सर्किल दिस, अच्छा तो अब ये दोनों क्या है, सर्किल को टच कर रहे हैं और ये दोनों क्या है, सेम टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसीलिए मैंने एम क्या ले लिया, दोनों का सेम ले लिया था, है ना, एम दोनों का सेम ले लिया, दोनों को इक्वेट कर लो आप, इक्वेट करके क्या मिल रहा है अपने को, एम स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको एम स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा ये आएगा एम क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है ना यहां से, तो इसका मतलब एम की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1 आ रही है, एम की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1, क्लियर होगी बात, मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली, दोनों सेम टेंजेंट है, दोनों का स्लोप सेम होगा, तो m ले लिया दोनों का स्लोप, अब दोनों की इक्वेशन क्या, दोनों का स्लोप सेम है, तो वहां से m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस 1 आ गई, m की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो एक काम करो इसको यहां पुट कर देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस x माइनस 1, क्लियर है, माइनस 1 रखेंगे तो क्या आ गया यहां से आ गया x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन टेंजेंट है। अब ये कह रहा है कि बताओ यदि ये सर्किल C को टच करती है, इस सर्किल को टच करती है, तो C की वैल्यू क्या होगी, तो क्या निकालना है अपन, इस सर्किल के सेंटर से टेंजेंट की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी किसके, रेडियस के, तो एक काम करते हैं अपन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये सर्किल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अपने को इसका सेंटर पता है क्या है, 0 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने सामने आ चुकी है, क्या आ चुकी है, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी कहां से, इससे, और ये कितनी होगी, रेडियस के इक्वल, दैट इज सी, तो क्या आ गया सर डिस्टेंस अपना, c इक्वल टू मॉड ऑफ, कर लोगे आराम से, 0 0 से डिस्टेंस निकालनी है, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन में क्या जाएगा, रूट टू, तो निकल के डिस्टेंस कितना आ गया, 1 बाई रूट टू आ जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, है ना, आराम से कर लोगे, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर रूट 7,0 एंड माइनस रूट 7,0 रेस्पेक्टिवली एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन द कोनिक दिस, पी इस कोनिक पे कोई भी पॉइंट है,
तो पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक काम करो आप छोटा सा, क्या करोगे देखो, रूट सेवन कॉमा जीरो और माइनस रूट सेवन कॉमा जीरो, तो ये क्या है, ए और बी कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है ना। तो अपने को क्या निकालना है, पी ए प्लस पी बी। तो आपको, आपने यदि कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस करे हुए हैं, ठीक है ना, तो आपको खुद ही फील आएगी क्या कि मैं इसका चेक कर लूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके क्या हो, फोकाई हो, है ना, ये कहीं ऐसा नहीं है कॉनिक की फोकाई हो। तो ये इलिप्स नजर आ रहा है आपको, इसकी इक्वेशन को आप प्यार से, है ना, क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, डिवाइड कर दिया आपने 144 से, आ जाएगा इक्वेशन निकल के। अब आपको क्या चाहिए, इसका फोकस, तो फोकस क्या निकलेगा इसका, बताओ e की वैल्यू क्या आएगी इससे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना आ गया ये आ गया आपका 16 रूट 7 अपॉन कितना आ जाएगा 4 चौक 16 4, ठीक है। तो e की वैल्यू आ गई, अब क्या होगा इसका, ये ठीक है, तो e की वैल्यू आज की है, क्या करना है बस आपको बताओ, फोकस निकालना है। तो फोकस क्या हो जाएगा इसका, एस फोकस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो होता है, तो ए इंटू ई, ए कितना है इसमें 4, ई कितना है इसमें रूट 7 अपॉन 4, तो क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0, इसके फोकाई क्या आ गए, प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फोकस हैं। अब आप आ जाओ इलिप्स पे, इलिप्स में आपने पढ़ाया क्या कि पी ए प्लस पी बी यानी कि पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू क्या होता है, 2a होता है ना, मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, तो 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है पर 4 है, तो a की वैल्यू यदि 4 है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8, यानी कि पी एस प्लस पी एस डैश पी पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस का जो सम होगा वो कितना होगा, 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलें आगे नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 8, इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज अ कॉमन टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस एंड द सर्कल दिस। देखो जब भी क्वेश्चन आए ना कॉमन टेंजेंट का, तो अपन क्या करते हैं, जनरली जो कॉमन टेंजेंट है, मान लो एक इलिप्स दे रखा है एक सर्कल दे रखा है, तो आप क्या करो, इलिप्स की इक्वेशन निकाल लो या पैराबोला दे रखा है तो पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, और बाद में उसको किसके लिए कर दो आप सेटिस्फाई कि दिस इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल में इजी होता है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, क्या कि लेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल होता है किसके, रेडियस के, ठीक है ना। चले आगे, तो बताओ इसके लिए इक्वेशन ऑफ क्या लिख लोगे आप, टेंजेंट लिख लो पहले, तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इसकी, y equal to mx plus c is a common tangent to the parabola this and this, okay। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं इसको, y equal to mx plus c की जगह क्या लिखूंगा बताओ, प्लस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, है ना, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर 100 एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 64, ठीक है ना, ये तो आप लिखते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये टेंजेंट किसकी है, सर्कल के लिए भी है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर क्या है इसका 0 0, रेडियस क्या है इसका 6, ठीक है ना, सेंटर है 0 0, रेडियस है 6, तो कर लो इसको, तो 0 0 डिस्टेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 100 एम स्क्वायर माइनस 64 अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एम स्क्वायर आएगा प्लस ये माइनस 1 होगा वहाँ जाके, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1, ये किसके इक्वल होना चाहिए अपना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस के, यानी इक्वल टू 6, यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड कर लोगे आराम से, क्या करना है अपने को, रिलेशन निकालना है, अच्छा तो m की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, 100 m स्क्वायर माइनस 64 इक्वल किसके हो जाएगा 36 m स्क्वायर प्लस 36 के, तो यहाँ से और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 64 m स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से बच्चों, क्या आ गई, 100 अपॉन 64, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 100 अपॉन 64, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो किसमें चेंज कर लो उसको, c स्क्वायर की के साथ ले लो, क्योंकि m की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 8 अपॉन प्लस माइनस 10 अपॉन 8 आ रही है, वो ऑप्शन तो सही है नहीं, है ना इनमें से कोई, तो एक काम करते हैं अपन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं ना, c के साथ निकालना है ना वैल्यू, तो बताओ क्या करें अपन, c इक्वल टू क्या था, c इक्वल टू था अपना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर कितना आ गया अपना 100 और 64, एम स्क्वायर की वैल्यू 100 अपॉन 64, तो 64 से 64 कट रहा है क्या, नहीं कट नहीं रहा, कर लोगे सॉल्व इसको आराम से, अब आगे सॉल्व कर लोगे आप, करना क्या है बस आपको मैं बता दूं, करना ये है आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, सी इक्वल टू इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको सी इक्वल टू, ठीक है ना, वैल्यू पुट करनी है ना, तो कर लो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना था अपना 100, एम स्क्वायर कितना आया 100 अपॉन 64 माइनस बी स्क्वायर कितना था 64,
तो कितना गया, 100 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, और नीचे रूट से बाहर आ गया क्या 8, ऊपर वाला अंडर रूट में, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो 100 माइनस 64 कितना हो गया 36, और प्लस करोगे तो 164, और अपॉन में कितना है, अंदर ही ले जाओ उसको रूट के, है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते ना। तो क्या आ गई सी की वैल्यू, देखो सॉल्व कर लो इसको, 8 कितना हो गया 4 4 16, 16 और ये 4 9, तो 9 इंटू 41 अपॉन में 4, ये आ रहा है आपका 9, बन जा 9, 9 4 जा 36, अपॉन में कितना आ रहा है 2, रूट से बाहर निकाल लोगे ना 4 को, तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया सी का वैल्यू, तो क्या आ गया ये आ गया 4c² = 369, ये आ रहा है 4c² = 369, तो 4c² = थर्ड ऑप्शन आएगा, सही है ना, क्या आएगा थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है, चलें आगे, चलो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 पर, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है ये, इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एलिप्स दिस एंड द सर्कल दिस बी ग्रेटर देन 4 है तो लाई ऑन द कर्व दिस देन बी इक्वल टू, ओके, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो इलिप्स है और ये जो अपना सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो लाई कर रहे हैं इस कर्व पर, तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को अपन सॉल्व कर रहे हैं आपस में, क्या रहा है ना सिस्टम, तो देख लो, पहले तो अपन एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा सर्कल को और इलिप्स को। तो बताओ जरा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और ये, तो एक काम करता हूँ मैं, एक काम करते हैं अपन इसको 16 से डिवाइड करके, है ना, 16 से डिवाइड करके क्या करें इसको सॉल्व कर लेते हैं आपस में, ठीक है ना। तो एक काम करो आप, 16 से डिवाइड कर दो इसको, किसको, सर्किल को, कर दिया। अब फर्स्ट इसको मान लो, इसको सेकंड मान लो, और 1 माइनस 2 कर दो आप, क्या कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो बताओ क्या आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 से एक्स स्क्वायर अपॉन 16 क्या कट जाएगा, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां से ना वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अपने को, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू में क्या आएगा, 1 माइनस बी वाई 4 लिख दूं सीधे में, बी अपॉन 4, तो यहां से क्या मिल गया, देखो आप वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 4 माइनस बी अपॉन 4 इंटू ये चला जाएगा 16 बी स्क्वायर अपॉन में, एलसीएम लोगे तो ये आएगा 16 माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। और बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तो 4 के इक्वल नहीं है बी, इसका मतलब क्या कर सकते हैं अपन इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के 4 माइनस बी से 4 माइनस बी काट सकते हैं, तो ये कुल मिला के आ जाएगा, देखो 4 4 16 हो गया, तो ये आ गया 4 बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 4 प्लस बी, क्यों, क्योंकि एक उसमें से कैंसिल आउट हो गया, किससे, 4 माइनस बी से, तो अपने पास ये आ रहा है y का वैल्यू। इस y के वैल्यू को, y स्क्वायर के वैल्यू को अपन यहां पुट कर देते हैं, तो अपने को x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सही है ना, तो करो y की वैल्यू को यहां पुट कर दो y में, तो क्या हो जाएगा ये 4 बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी इक्वल टू, मैंने क्या किया, y स्क्वायर की वैल्यू को यहां रख रहा हूं ना इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल टू क्या है, 3 एक्स स्क्वायर है, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया यहां से 4 बी स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू 4 प्लस बी, ये क्या आ गया अपना एक्स स्क्वायर मिल गया अपने को। अब देखो दोनों के दोनों क्या थे अपने एलिप्स, दोनों के दोनों क्या थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, क्या कर लोगे सब बताओ, एक्स स्क्वायर अपने पास है, वाई स्क्वायर अपने पास है, बस क्या करना है आपको बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना था 4 बी, दोनों की वैल्यू पुट कर दो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 आएगी, सॉल्व कर लोगे आराम से। चलें आगे नेक्स्ट, समझ गए ना क्या करना है, अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ बी, ओके। चलें आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं अब आगे, ओके क्वेश्चन नंबर 10, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला दिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है अपने को पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x पर, जो परपेंडिकुलर लाइन 2x प्लस y इक्वल टू 1 के, तो समझ में आ गया ना मेरे को देखते ही कि मेरे को जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है पैराबोला पर वो परपेंडिकुलर किसी लाइन के, इसका मतलब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं और एक का स्लोप गिवन है तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन m, तो मेरे को यदि इसका दिख रहा है इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप आएगा माइनस 2, इसका स्लोप क्या आएगा इक्वल टू है, ठीक है ना, तो y इक्वल टू माइनस 2 आएगा इसका स्लोप m इक्वल टू, तो स्लोप इसका माइनस 2 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा यहां से, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन m, तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा स्लोप, स्लोप हो गया हाफ, स्लोप हो गया हाफ, तो अब चलते हैं टेंजेंट की तरफ,
बताओ y इक्वल टू 4ax के लिए अपन क्या लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, y इक्वल टू हाफ x प्लस a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, 4a इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3/2, तो रख दूं मैं यहाँ पे 3/2। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2 इंटू एम, एम करना है तो एम कितना है अपना हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया ये हाफ एक्स प्लस 3। सो योर इक्वेशन इज 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड वी हैड टू फाइंड दिस। अपने को क्या फाइंड करना था इसमें, अच्छा इनमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है किस पर, टेंजेंट पर। तो एक काम करते हैं अपन सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, तो y इक्वल टू लेके 2y इक्वल टू लेके आना है x प्लस 3, 0.3 गलत, -6.0 गलत, 4.5 7 नहीं है, 5.4 5 और 3 8 4 जो 8 यस 5.4 ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है आपसे, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस इज अ कोनिक। अच्छा मतलब ये दो लाइंस अपने को गिवन है और इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी क्या एक कोनिक है, क्योंकि इसमें के आ रहा है ना अननोन, के अननोन आ रहा है, इसका क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेरी करेगा, और वेरी करेगा तो क्या बनेगा एक लोकस बनेगा है ना, तो उसी पॉइंट का जो लोकस है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस है दैट रिप्रेजेंट्स अ कोनिक, वो एक कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ उस कोनिक की क्या होगी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। चलो तो शुरू करें, तो दोनों का क्या निकाल लें अपन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें लाइंस का। चलो तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे आप, एक काम करते हैं √3kx + ky √3x - y, तो ऐसा करते हैं इसको k से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय k, और क्या कर दो दोनों को ऐड कर दो, सही है ना, यहाँ पर प्लस के आ रहा है तो यहाँ माइनस का k आ जाएगा, बात सही है, दोनों को ऐड कर दें k से मल्टीप्लाई करके करो, तो √3k और यहाँ पे √3k, तो कितना हो गया 2√3kx, y से y वाला पार्ट कर गया, -4√3 है ना, और यहां पर क्या आएगा प्लस माइनस का 4√3k² हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0, क्लियर है ये वाली बात। आगे चलो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, x की वैल्यू आ चुकी है, एक काम करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2√3kx इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, इनको वहां लेके जाओ तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा यहां से 4√3 तो कॉमन आ जाएगा और दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 1+k², और एक काम करो ना k से डिवाइड कर दो और 2√3 से कर दो, तो x बराबर कितना आ गया 2 × 1/k + k आ गया, ये सही है बात। ऐसी है y की वैल्यू निकाल लो आप, y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, या तो इसको उठा के उसमें रख दो आप, लेकिन कर लो ऐसा कर सकते हो वैसे है ना, y की वैल्यू के लिए इसको उठा के उसमें रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, √3 कॉमन आ जाएगा बाद में, सही है ना, ऐसा कर सकते हो, या फिर एक बात दिमाग में आ रही थी, यहाँ √3 × k है ना, तो k से अपने इसको मल्टीप्लाई किया था ना, तो अब इसको पहले ऐड किया था, अब इसको घटा दो, तो घटाओगे तो क्या मिल जाएगा है ना, सीधे निकालते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख दूं मैं, देखो ठीक है, ये रहा, एक काम करते हैं अपन माइनस कर देते हैं, तो x कट जाएगा k, और k कितना हो जाएगा 2k × y माइनस का 4√3, और ये प्लस का हो जाएगा इस बारे ना 4√3k² इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4√3 कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा 1 − k² और पहले की तरफ k से डिवाइड कर दोगे आप 2k से, तो k बराबर y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू आ जाएगा 2√3 × क्या हो जाएगा ये 1/k - k। अब एक काम करो बस आप कुछ मत करो, 2 को यहाँ से नीचे ले जाओ और 2√3 को यहाँ से नीचे ले जाओ इसके y के, तो यहाँ पर क्या बचेगा k + 1/k, यहाँ क्या बचेगा 1/k - k। आप क्या करो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, अब देखना एक मिनट, देखो और क्या कर दो, देखो ये इस 2 को अपन कहाँ ले आए इसके नीचे, और 2√3 को ले आया मैं इसके नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दोगे बताओ, माइनस कर दो, मतलब 1 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या क्या आएगा यहाँ से x² / 4 माइनस यहाँ से क्या आएगा y² / 2 × 4 = 12 इक्वल टू में क्या हो जाएगा सीधे बताओ 1/k² कट जाएगा 1/k² यहाँ पे आएगा प्लस का 2ab यहाँ आएगा माइनस का 2ab, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला ही बनना है x² / a² - y² / b² =
4 को नीचे ले आओ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या है, अब अपने को क्या निकालना था, उत्केंद्रता निकालनी है इसकी, यानी कि इसेंट्रिसिटी। तो बताओ निकाल दोगे इसेंट्रिसिटी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कर लोगे आराम से, 4 से डिवाइड कर देना 16 और 48 कर लोगे सॉल्व, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 12 लेट एल बी अ टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y square equal to 4x minus 20 at 6,2, L कोई tangent है इस parabola की point 6,2 पर, if L is also a tangent to the hyper to the ellipse this, to the ellipse this, है ना, to the ellipse this, ये 2 है ना, ठीक है। then the value of B is, करें शुरू बताओ, सबसे पहले equation of tangent line निकालो इसकी, equation of tangent to the line this, to the parabola this, 4 common ले लो तो x minus क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो equation of tangent क्या होगी बताओ, equation of tangent क्या हो जाएगी, y equal to mx, m क्या है इसमें, m अपने को नहीं पता, एक काम करते हैं ना, सीधे लिख दें इसको अपन point form में, 6,2 point है तो क्या कर दोगे, y square को replace कर दो y by 1, यानी कि 2y equal to 4 into x को क्या लिखोगे, x plus x1 upon 2 minus का 5, तो क्या आ गया ऐसे आंसर, 2 से कट गया ये, तो y equal to आ गया आपका 2 से, ये 2 कट जाएगा तो x plus 6 minus का 10, तो कुल मिला के आ गया 4, तो y equal to आ गया x plus 4, equation of tangent क्या आ गई, y equal to x plus 4, अब ये आ गई equation, sorry x minus 4, ये आ गई equation of tangent, equation of tangent आ गई, तो बताओ ये किसकी tangent है, इसकी भी tangent है, तो इसके लिए condition क्या होती है अपना, क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर लोगे सॉल्व, a पता है, b नहीं पता है, m पता है आपको, स्लोप कितना है इसका 1, रख लोगे ठीक है ना, कंडीशन लगानी है ना आपको, माइनस 4 देखो क्या लिखो, माइनस 4 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लगाओगे बताओ, ए स्क्वायर एम, दोनों का स्क्वायर कर दो है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 16 इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी कि 4 नहीं आएगा, क्या आएगा 2, ठीक है। ठीक है बोलो क्या लिखूं मैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहा हूं सीधे मैं, है ना, तो 16 इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो 2 एम स्क्वायर, एम की वैल्यू 1 लेनी है अपने को, है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो एम की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सी सीधे 14, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, होगा क्या कि अपने को यहां पर जो b स्क्वायर है ना वो क्या है, b है यहां पे, b स्क्वायर क्या है, b, तो यहां पे मैंने गलत लिख दिया, क्या b आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 14 आ गई, एक्चुअल में b स्क्वायर है वो क्या है यहां पर, b है इसलिए, ठीक है ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 14, सो यू हैव सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ओके चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यस क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है, इफ द कर्व x स्क्वायर प्लस y 2y स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एट टू पॉइंट्स p एंड q, then the angle subtended by the line segment PQ at the origin, PQ के द्वारा origin पर angle कितना बनेगा, तो एक बात बताओ मेरे को आप, ये आपको एक ellipse दे रखा है, ellipse आपको given है, ellipse की equation दे रखी है x square upon 2 plus y square upon 1 equal to 1, ठीक है, 2 से divide कर दिया मैंने, अब ये जो line है वो cut कर रही है किसको, ellipse को P और Q point पर, और line क्या है इसकी, y x plus y बराबर 1, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितनी है 1 1 है, और ये पॉइंट क्या है 0,1, तो लाइन का एक हिस्सा तो यहां से पास होगा और दूसरा कहां से पास होगा, यहां से, तो ये तो हो गया Q और ये हो गया P, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने को ये वाला एंगल जो है ना, ये जो एंगल है ना, दिस इज थीटा, ये जो एंगल है ना उसके बारे में बातें कर रहा है ये, कि लाइन सेगमेंट PQ एट द ओरिजिन इस पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, थीटा निकालना है अपने को, ठीक है चले आगे। तो बताओ मेरे को ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है ना, तो ये एंगल 90 से ज्यादा है, ठीक है चलो आगे, और क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा बस, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें जो आपको क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ती है आपको समझ आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, होमोजेनाइजेशन का है, कि एक कोई कर्व है, कर्व को एक लाइन कट कर रही है और उसका अपने को ओरिजिन पर एंगल कितना बना रही है वो अपने को निकालना है, तो उसको अपने होमोजेनाइजेशन से करते हैं, आपको पता है, और होमोजेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी कर्व को आप क्या करो, होमोजेनाइज कर दो, मतलब उसकी जो डिग्री है उसको सेम कर दो, जैसे यहां पे डिग्री कितनी है अपनी 2, तो 2 2 और ये जो 2 है उसको अपन क्या लिख देंगे, देखो पता होगा आपको होमोजेनाइजेशन आपने पढ़ा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2 इनटू क्या लिखोगे इसको 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर
इक्वल टू कितना हो गया, 2 इनटू 1 का स्क्वायर बोले तो कौन, लाइन की हेल्प से 1 की वैल्यू निकाल लो आप, तो x प्लस वाई पहले से देखी है अपने को प्यारी सी, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कर लो। अब ये क्या आ गया, ये आ गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कौन कौन सी, PO, OP एंड OQ है ना, OP एंड OQ की इक्वेशन है। तो क्या कर लें, सॉल्व कर लो उसको फटाफट से। अब एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का 4xy बच रहा है ना, इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी वाली, ये OP एंड OQ। अब इनके बीच में एंगल निकालना है थीटा, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल थीटा निकालना हो तो अपन क्या फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या लगाते हैं, टू अंडर रूट एच, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, यही है फॉर्मूला। यहां पर ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0, एच की वैल्यू क्या है 2, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई का हाफ 2। तो क्लियर है, यहां से कर लोगे सॉल्व, तो यहां सॉल्व करोगे ना तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी पता है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 10 इनवर्स ऑफ दिस। तो अब अपने को क्या करना है, एक काम करना है छोटा सा, यहां से सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या आता है देखो, 10 इनवर्स एच की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा अगेन 2 ही आ जाएगा और माइनस में क्या है 0 अपन में ए प्लस बी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 10 इनवर्स 2 टू 4, 10 इनवर्स 4 आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल आया है वो कौन सा वाला आया है, अपने जब ये बनाया था एंगल थीटा तो लाइन ये आई थी पी क्यू, ठीक है, और ये क्या था अपना ओ। तो ये जो एंगल था वो क्या था, ऑप्टिज एंगल निकालना था अपने को, बट ये जो एंगल आया ना इन दोनों लाइंस के बीच में वो एक्यूट एंगल आया है। तो ऑप्टिज एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, पाई में से माइनस करना पड़ेगा, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 4। एक्चुअल में इसको अपने को थीटा नहीं लिखना चाहिए, इसको अपन लिख देते हैं अल्फा, क्या लिख देते हैं इसको अपन अल्फा, ये एक्यूट एंगल आया ना इसको अपन लिख देते हैं अल्फा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू ये था, तो ये थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई में से माइनस कर दिया अल्फा, तो ऑप्टिज वाला एंगल आ गया, तो ये पाई माइनस हो गया। अच्छा अब पाई माइनस कितना हो गया 10 इनवर्स 4, तो देख लो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो पाई बाय 2 आ रहा है ना, तो एक काम करो थोड़ा सा चेंज करो क्वेश्चन को, इसको लिख सकते हैं अपन पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 4, तो कितना आ गया ये पाई बाय 2 प्लस कॉट इनवर्स 4, और कॉट इनवर्स 4 क्या लिख देना आप 10 इनवर्स 1 बाई 4, तो पाई बाय 2 प्लस 10 इनवर्स 1 बाई 4, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्या कह रहा है, अ हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकी ऑफ द एलिप्स दिस एंड इट्स ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सेस आर कोइंसाइड विद मेजर एंड माइनर एक्सेस ऑफ द एलिप्स रेस्पेक्टिवली, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर इसेंट्रिसिटी इज 1 देन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है, यदि उसकी जो ट्रांसफर और कॉन्जुगेट एक्सेस हैं वो इसके मेजर और माइनर एक्सेस के साथ क्या हो रही है, ओवरलैप कर रही है, ठीक है ना। तो अपने बताना है कि इसेंट्रिसिटी, अच्छा इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट कितना है 1, यानी कि ये E1 मान लेते हैं और जो हाइपरबोला है उसकी E2 मान लेते हैं, ना जो हाइपरबोला है उसकी E2 मान लेते हैं, ठीक है, इसकी हाइपरबोला की E2 मान लेते हैं इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो E1 इंटू E2 क्या देखा है अपने को 1, E1 इंटू E2 क्या देखा है अपने को 1। तो आपसे कह रहा है कि बताओ हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, तो मान लें इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेंटर क्या रहा होगा 0 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मान ली इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब अपने को क्या कह रहा है, वो कहाँ से पास हो रहा है, इसकी फोकाई से, तो पहले फोकाई निकालना है एलिप्स की, एलिप्स की फोकाई क्या आएगी बताओ, इसेंट्रिसिटी E1 क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये आ जाएगी आपकी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि 16/25, देखो सीधे निकाल दो कितना आ गया 4/3/5 आ जाएगी, तो E1 कितना आ गया 3/5, तो E2 कितना हो जाएगा, यहाँ से E2 हो जाएगा आपका 5/3, है ना, दो चीज़ें मिल गई एक साथ अपने को, E1 आ गया 3/5, E2 आ गया 5/3। अब E2 आ चुका है, E1 आ चुका है, अब मेरे को क्या चाहिए था इसमें, मेरे को चाहिए था इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब ये कहाँ से पास हो रही है, इसके फोकाई से, तो फोकाई क्या हो जाएगी इसकी एलिप्स की बताओ जरा, AE कॉमा प्लस माइनस AE कॉमा 0, तो A कितना है यहाँ पर, A है अपना अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, तो 5 × 3/5 कितना आ गया 3 कॉमा क्या 0, तो इसका जो फोकाई आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस 3, 0, तो इसको पुट कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3, 0 रखोगे इसमें हाइपरबोला में, तो प्लस माइनस 3 करने पे कितना आ जाएगा 9/a² ये तो हो गया 0 इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई अपने को, मजेदार एकदम, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो यहाँ से अपन इसकी अपने को 2 निकालना है बस, किसका हाइपरबोला का, तो निकाल लो कैसे हो जाएगा, E2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a² + b² / a², तो हो जाएगा सॉल्व आराम से, a² + b², तो ए स्क्वायर तो कितना हो गया 9 हो गया, E2² कितना हो जाएगा 25/9, तो 9 से 9 कट जाएगा 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, तो B² की वैल्यू आ रही है यहाँ से 16,
अब कर लोगे सॉल्व, क्या जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 16 इक्वल टू कितना गया 1, ये आगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा, सही है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल दिस एंड द पैराबोला दिस, इफ द टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर डिस्टिंक्ट एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू, तो एक काम करते हैं अपने को ए और सी से मतलब है, ए और सी से मतलब है, ठीक है ना, जहां पॉइंट को टच कर रही है, मतलब जो कॉमन टेंजेंट है वो इलिप्स और हाइपरबोला, इलिप्स और सॉरी सर्किल एंड पैराबोला, इन दोनों को जो कॉमन टेंजेंट टच कर रही है जिन पॉइंट्स पे, उनके अपने को सिर्फ एब्सिसा से मतलब है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट से। तो चलो देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखें, बताओ क्या लिखेंगे अपन, पैराबोला के लिए लिख लें पहले, पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो सीधे अपन क्या लिखते हैं 1 अपॉन एम, ठीक है। अब बताओ आगे मेरे को, अब ये क्या है एलिप्स सॉरी सर्किल की भी क्या है टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, सेंटर क्या है इसका 3,0, तो सेंटर इसका 3,0 रखो, 3,0 तो 3m माइनस वाई को उधर लेके जाओगे आप 0 प्लस 1 अपॉन एम, अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना मेरी बात को, y को उधर लेके जाएंगे उसके बाद डिस्टेंस लेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा रेडियस r, रेडियस r कितना हो गया 3, तो रेडियस r हो गया 3। अब एक काम करते हैं मन छोटा सा, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, 2ab का क्या हो गया ये 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 3 प्लस 3m स्क्वायर, तो यहाँ से आप m की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो देखो 9m स्क्वायर 3m स्क्वायर कितना बच गया अपने पास 6m स्क्वायर, तो ये बचा आपके पास 6m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ रहा है अपना, ये आ रहा है मेरे ख्याल से 6m टू द पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, 3 3 9 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 6 आएगा, ठीक है इक्वल टू 3 प्लस 3m स्क्वायर, क्लियर, ठीक है सही है ना, तो 3m स्क्वायर से ये क्या हो गया अपना कैंसिल आउट हो, 3 3 जा 3 का स्क्वायर यहाँ पर होगा ना, 3 का स्क्वायर होगा तो ये 9 हो गया ना, ये है ना 9 आएगा यहाँ पे, 9 क्या आएगा, ये 9 आएगा, तो ये भी क्या है 9, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास क्या बचा सिर्फ 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3, तो 1 बाई 3 आ गया, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/3, m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/3, ठीक है एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3। अब आपसे क्या पूछ रहा था, ये ए और सी निकालना है आपको, ठीक है ना, तो एम देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, वाई इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू तो क्या गई प्लस माइनस 1/√3 एक्स प्लस माइनस 1√3 रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 3, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अपन क्या करते हैं अपन सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे किसके साथ, पैराबोला के साथ और ऐसे ही लाइन के इसके साथ सर्कल के साथ, तो y की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, रखो इसको आप प्लस वाले को रख लो ना, प्लस वाले को रख लो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 एक्स प्लस 1 अपॉन प्लस रूट 3 इक्वल टू 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करके x की वैल्यू निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से 16x स्क्वायर, तो कर लो सॉल्व, x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, फिर इस वैल्यू को आप क्या कर दोगे, आप यहाँ से मिल गई, अब फिर एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो आप यहाँ से भी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों का क्या करना है अपने को सम करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे आराम से, है ना, इसका आंसर आ जाएगा आपका। चलें आगे नेक्स्ट, ये थोड़ा सा वो वाला काम है बस, है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में देखो क्या कह रहा है आपसे, द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड टचिंग द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 एंड टचिंग द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 2,4, तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, ये वाला पैराबोला हो गया अपना, अब इस पैराबोला को एक सर्किल जो टच कर रहा है किस पर 2,4 का मतलब यहाँ मान लेते हैं अपन 2,4 है ना, यहाँ टच कर रहा है और पास कर रहा है कहाँ से 0,1 से पास कर रहा है, तो और यहाँ से भी टच कर रहा है, तो कुल मिला के कुछ कहानी कुछ क्या है, ये है कि मतलब एक पॉइंट पर टच कर रहा है सर्किल पैराबोला को और 0,1 से पास हो रहा है, तो एक बात बताओ मेरे को आप,
इसमें आप लगा दो फैमिली ऑफ लाइन, है ना। तो जैसे आपने को पता है ये पैराबोला है मान लो, तो मैंने क्या किया इसमें आपने 2.4 पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने पैराबोला की 2.4 पॉइंट पर। तो अब आप सोचो ये कुछ केस ये बन गया क्या, एक सर्किल है जो इस लाइन को टच कर रहा है 2.4 पर एंड ऑल्सो पास थ्रू दिस पॉइंट। तो एक सर्किल जो 0.2.4 से पास भी कर रहा है और ये कह सकते हैं 0.2.4 से पास कर रहा है, साथ में टेंजेंट को भी टच कर रहा है, तो एक लाइन को टच कर रहा है ना। तो अपन ये कह सकते हैं सिंपल सा, एक सर्किल एस वन जो किससे पास हो रहा है अपना, टच कर रहा है 2.4 पर सर लाइन को, तो लेमडा एल इक्वल टू जीरो। याद आ रहा है, कोई भी सर्किल है एस और एल लाइन है ना, तो दोनों का जो फैमिली ऑफ लाइन एंड सर्किल आपने जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि एक सर्किल और एक लाइन जब टच करते हैं ना किसी एक पॉइंट से पास करने वाले, किसी एक पॉइंट से पास करने वाले, सर्किल की इक्वेशन कितनी क्या होती है, एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एस, एस क्या आएगा अपना पॉइंट सर्किल की इक्वेशन लिख लें अपन। एक मैंने क्या कर लिया, पॉइंट सर्कल मान लिया 2.4 पर, वो टच कर रहा है किसको, लाइन को, तो क्या हो जाएगा एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू जीरो। तो सीधे सीधे अपन क्या कह सकते हैं कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एल। एल क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2.4 पे, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रख दो 2.4, तो 2.4 पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x, 4.2 या 2.4 है, 2.4 था ना, तो 2x इक्वल टू y प्लस y1 अपॉन 2, तो y प्लस y1 अपॉन 2, तो 5 प्लस y प्लस 4 अपॉन 2 आएगा। ये निकाल दूं मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ लिख दूं, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बताओ क्या हो जाएगी, y y1 y प्लस y1 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स एक्स वन यानी कि 2x, तो कितना हो गया 4x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू जीरो, सॉरी माइनस 4, 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू जीरो। और इसको यहाँ उठा कर रख दो आप, ठीक है ना, इसको यहाँ उठा कर रख दो जल्दी से, तो क्या हो जाएगी लेमडा एल क्या आ गई, 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो कुछ नहीं करना अब आपको, सिंप्लीफाई करना है, इसको कहाँ से पास कराना है आपको, 0.01 से, तो 0.1 से सेटिस्फाई करेगा, तो 0.1 का मतलब क्या हो गया 4.19 प्लस लेमडा इंटू 0.1, तो कितना हो गया माइनस का 5, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है 9 और 4 13, तो लेमडा की वैल्यू आ गई यहाँ से 13/5, तो लेमडा की वैल्यू आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगी सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी, सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा सेंटर क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स का हाफ विद अपोजिट साइन और कोफिशियंट ऑफ वाई का हाफ विद अपोजिट साइन, वो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्किल। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला इज एनदर पैराबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज, अपने से कह रहा है कि अपन ने क्या किया, ये जो पैराबोला है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके फोकस को इसके पैराबोला के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, कहने का मतलब है कुछ ऐसा, देखो ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला को कोई पॉइंट ले लिया, उसको मैंने क्या कर दिया फोकस से ज्वाइन कर दिया, फोकस क्या रहा होगा इसका 1.0 और ये पॉइंट क्या रहा होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब ये कह रहा है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ना, उसका जो मिड पॉइंट होगा, उसका जो लोकस है वो कोई एक और लोकस बन रहा है, एक और सॉरी पैराबोला बन रहा है, तो उसकी अपने को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं एक काम करूं छोटा सा, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट निकालूं, तो मिड पॉइंट क्या आएगा इसका h, k, ठीक है, तो कंपेयर कर लेंगे अपन h, k से, तो बताओ क्या हो जाएगा h, k इक्विवेलेंट टू किसके, बताओ इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा a प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 कॉमा 280 प्लस 0 अपॉन 2। तो यहां से क्या आ गया, h की वैल्यू तो आ गई यहां से, a कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2, और k की वैल्यू क्या आ गई यहां से 80, तो t की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको h और k में इक्वेशन मिल जाएगी, t की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से k अपॉन a, तो k अपॉन a का मतलब क्या हो गया k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा a से a कैंसिल आउट, तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में 2a बराबर x, कर लोगे सॉल्व इसको आगे आराम से, ठीक है ना। तो ये क्या बन गई अपनी पैराबोला बन रहा है ना, ध्यान से देखो तो पैराबोला बन रहा है y स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है 2ax माइनस a स्क्वायर, ये एक पैराबोला बन रहा है, इसकी अपने को क्या निकालनी थी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो 2a कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो x माइनस क्या बचेगा a बाई 2 बचेगा, तो आप देखो इसका फोकस क्या आ रहा है a बाई 2.0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
क्या लिखते हैं अपन, x प्लस ए इक्वल टू जीरो लिखते हैं अपन, याद आ रहा है, x प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो a क्या होता है इसमें, लेटर सेटम, लेंथ ऑफ लेटर सेटम का 1/4, यानी कि फोकस। तो a, a क्या होगा बताओ, x प्लस ए, यहाँ पर x क्या है अपना, x माइनस ए बाई टू है, तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, है ना, आराम से लिखो इसको, ये क्या हो जाएगा x माइनस ए बाई टू, और इसका 4a, 4a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2, तो a की वैल्यू कितनी होगी हाफ, तो प्लस क्या हो गया a बाई टू, 2a कॉमन आया था ये, है ना, 2a कॉमन आएगा, तो क्या हो गया a बाई टू से a बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गई, जो y एक्सिस है ना, वही क्या है उसकी डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज x इक्वल टू 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। चले आगे नेक्स्ट, चलो देखो, एक क्वेश्चन 18, लेट a 1.4 एंड b 1.-5, बी टू पॉइंट्स, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्किल दिस सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हैव मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अपने को कोई पॉइंट लेना है सर्किल पर, और उसकी पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या है, डिस्टेंस जो है ना पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर मैक्सिमम है, तो बताओ पी ए भी किस पर लाई कर रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन पर, सर्किल पर, एलिप्स पर, हाइपरबोला पर। तो एक काम करूँ मैं, छोटा सा बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, जनरल पॉइंट मान लेते हैं सर्किल पर, तो जनरल पॉइंट सर्किल पर पी मानोगे तो क्या होगा, 1 प्लस क्या मानोगे, कॉस थीटा कॉमा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। तो इस पॉइंट से अपने क्या करना है, ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो निकालो, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ये, तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, सीधे लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बताओ पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यानी क्या आ गया ये, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी हाँ सही है ना, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया पी ए का स्क्वायर। अब प्लस पी बी का स्क्वायर करना है अपने को, तो पी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, दिस बी से डिस्टेंस, तो उसमें वही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसमें, है ना, ठीक है ना, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री में अपने रेज निकालते थे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वहीं से करना है क्वेश्चन को, है ना, तो देखो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 2 cos² साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 sin², तो 2 × क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहां से कितना आएगा, माइनस का 6 sin θ, और यहां से क्या आएगा, प्लस का 12 sin θ, तो माइनस का 6 और प्लस का 12, तो कितना बचेगा, प्लस का 6 sin θ बच जाएगा, और कितना आएगा यहां पर, 9 और यहां पर 36, 9 और 36 कितना हो गया, 45, तो 9 और 36 हो गया आपका 45। अब मेरे को इसकी वैल्यू तो पता है कितनी होती है, 1 होती है, तो ये तो हो गया 2, 2 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 47, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तब ये क्या होगा, मैक्सिमम। अच्छा, तो यहां से एक बात क्लियर होगी मेरे को कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री हो गई मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू, है ना, तो थीटा की वैल्यू 90 आप इसमें रख दो, आप किसमें, पॉइंट में, तो थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो साइन 90 तो कितना होता है 1, बट कॉस 90 क्या होता है 0, तो पी जो पॉइंट है ना वो आपका बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा पॉइंट आ गया 1.2, पॉइंट आ गया पी 1.2। अब आप चेक कर लो आराम से, 3 पॉइंट्स हैं वो किस पे लाई कर रहे हैं, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। आप देखो तो इसका क्या कर लो, आप डिटरमिनेंट निकाल लो, है ना, डिटरमिनेंट निकाल लो पी ए और बी का, तो कैसे निकालोगे, 1.2, 1.4, 1.-5 एंड अगेन 1.2, स्टेयर्स मेथड से एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा यदि किस पे लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है ना, तो क्या कर लो आप, चेक कर लो इसका एरिया, ठीक है ना, चेक कर लेना आराम से क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट, लेट एल बी अ कॉमन टेंजेंट टू द लाइन टू द कर्व दिस एंड दिस, देन द स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन एल। तो एक बात बताओ मेरे को आप, एक आपको एलिप्स दे रखा है इसमें और एक आपको सर्कल की मैंने, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है ना, तो मैंने आपको अभी बोला था, क्या बोला था कि आप क्या करो, सर्किल की इक्वेशन निकाल लो, सॉरी एलिप्स की इक्वेशन निकाल लो टेंजेंट की, और उसके बाद क्या कर लो आप, सर्किल पर चले जाओ। तो पहले आप एलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट लिखोगे, आप क्या लिखोगे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको आप प्यार से लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 लिखोगे, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर कितना हो गया, 9 एम स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, ये जो सी आया है ना, यहाँ से क्या निकाल लोगे आप, इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए, सर्किल की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 31 अपॉन 4 आ जाएगा, क्लियर। तो जीरो से, सेंटर से, जीरो जीरो से डिस्टेंस का क्या होना चाहिए, इक्वल टू रेडियस, तो करते हैं जरा सॉल्व आगे, तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 एम स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर, यही काम कर रहे हैं तब से अपन,
इक्वल्स टू रेडियस, रेडियस कितना है इसका 31/4 का अंडर रूट, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो यहां से एम स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो कितनी हो गई ये 9m² + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 31 का, तो इसको आप आराम से सॉल्व करोगे तो क्या मिल रहा है आपको 3m² 31m² और इसे 36m², तो यहां से बचता है आपका 5m² और आगे चलता हूं मैं, तो 4 4 16 16 - 31 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब जो एम स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई और एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 एंड ही इज आस्किंग अबाउट स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन एल, स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन एल, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। चलें नेक्स्ट, देखो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लेट L1 बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एंड L2 बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस सच दैट L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अपने कह रहा है दो पैराबोला हैं, दोनों की जो टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ क्या बताओ कि L1 और L2 किस स्ट्रेट लाइन पर मिलेंगे, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना एक तरीके से अपने को, है ना, कि किस लाइन पर मिलेंगे। तो एक काम करें अपन, छोटा सा शुरू करते हैं, देखो शुरू करते हैं, शुरू कैसे करेंगे, देखो दोनों लाइंस को अपन देखो ध्यान से आप, तो y² = 4 × x + 1 और 8 × x + 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लें अपन पहले, इसके लिए क्या होगी बताओ, इसका a की वैल्यू कितनी है पर 1, यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो जाएंगी दोनों के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स दोनों के लिए लिख ले रहे हैं एक साथ, है ना। इसका स्लोप मैंने मान लिया m आएगा टेंजेंट का और इसका जाएगा -1/m, ये तो क्लियर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है दोनों टेंजेंट, इसलिए तो y = क्या हो गया mx + 1/m और दूसरे वाले का हो जाएगा y = -1/m × x और प्लस का क्या हो जाएगा पता है 2m, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा 2m, क्योंकि a/m आएगा ना, तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2/1/m माइनस का, तो प्लस m ऊपर जाके m हो जाएगा, वो m को मल्टीप्लाई m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा m² x - my + 1 = 0। लेकिन अच्छा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है x + 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा x + 1 आएगा इसकी जगह, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा x + 2 आएगा, सही है ना। अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे x + 1 होगा ना यहाँ पर, तो प्लस का m² और आएगा एक्स्ट्रा, क्या आएगा m², क्लियर होगी बात। अब बताओ और आगे चलें, अब हाँ इसके लिए आ जाओ, इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से x और क्या आएगा my, x + my और यहां से क्या आएगा -2/m, तो -2 आएगा और ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुल मिला के -2m², तो वहां जाके क्या जाएगा +2m², ठीक है ना, और क्या आएगा -2 आएगा, इसको -2 वहां जाके +2 हो जाएगा = 0, ठीक है ना, कर लोगे सॉल्व, ये तो कैलकुलेशन है ना सिंपल। अब वो क्या करो आप, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको 1+m² × x + m² 2m² कितना हो गया 3m² और ये भी 1+2 कितना हो गया 3, तो 3 × m² + 1 आ जाएगा। तो देखो m² + 1 कॉमन लेके 0 कर दो, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो x + 3 क्या आ गया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -3 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लोकस ऑफ द फुट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स दिस वन फ्रॉम एनी ऑफ इट्स फोकाई। इस एलिप्स अपने को दे रखा है और एलिप्स की किसी भी फोकस से अपन ने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर टेंजेंट पर, तो आपको पता है वो कहां मिलता है ऑक्सिलरी सर्किल पर, ऑक्सिलरी सर्किल क्या बनेगा इसका x² + y² = a² और a² कितना है 4, तो चेक कर लो कौन सा वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। लेट p बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस एंड n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, अ लाइन इज नाउ ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट m ऑफ pn। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा सा, तो देखो क्या होगा, अपने को एक पैराबोला दे रखा है y² = 12x, यहां पर a की वैल्यू कितनी है 3, आगे चलो p बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, p कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने पैराबोला पे, ठीक है ना, p कोई भी पॉइंट मान लिया और एक फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p ऑन द एक्सिस, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया इन्होंने और इसको नाम दिया इन्होंने n, और आप आगे क्या कह रहा है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ pn, मिड पॉइंट ऑफ pn का मिड पॉइंट है m, इसे एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू एक्सिस और वो कट कर रही है किसको, पैराबोला को q पर, ये पॉइंट है आपका q,
इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन nq, nq जो लाइन है उसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है 4/3, यानी कि ये जो लेंथ है वो देखिए अपने को 4/3, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आ गया 0.4/3। ठीक है, अब आपसे कह रहा है देन क्या होगा, आपको pn mq की लेंथ निकालनी है। चलो शुरू करते हैं। तो ये बताओ पहले तो मेरे को, आप इस पॉइंट को क्या मानोगे, ये पॉइंट क्या है 80² / 280, a की वैल्यू कितनी यहां पे 3, तो क्या हो गया ये 3t² / 60, 280 होता है ना, तो 2 × 3 = 660 हो गया। और ये पॉइंट क्या रहा होगा इसका 3t² / 0, परपेंडिकुलर डाला है इसलिए। ठीक है, हो गया सारा क्वेश्चन सॉल्व, एक मिनट में है ना, देखो अभी रुको, इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो ये तो हो गया 3t² / इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आ जाएगा 3t आ जाएगा, होता जा रहा है आराम से, है ना। अब एम से मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू दिस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो बताओ मेरे को क्यू पॉइंट क्या आएगा, क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 3t² ही रहेगा, सॉरी क्यू का वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 3t, क्यों, क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल टू एक्सिस है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 3t है, तो y की वैल्यू 3t डालोगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 90² अपॉन में 12 करोगे तो कितना आएगा 3t² / 4, तो ये पॉइंट q पॉइंट आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं q पॉइंट को अपन अलग से, q पॉइंट आ गया आपका 90² या 3t² आ गया ना, 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3t² / 4, 3t, ये सही है। एक मिनट, ठीक है, क्यों हो गया आपका 3t² / 4, ठीक है, अब कॉमा 3t, ये पॉइंट आ गया क्यों, अब अपने को कुछ नहीं करना, ये पॉइंट मिल गया, अब आपको टू पॉइंट फॉर्म से क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है PQ की या NQ की, इक्वेशन ऑफ उसे t की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ NQ है ना, इक्वेशन ऑफ NQ, बताओ NQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 0 = x - 3t², उसका स्लोप क्या आएगा बताओ, y2 - y1 / x2 - x1, तो 3t - 0 = 3t / 3t² / 4 - 3t², तो कितना बचेगा 3t² कॉमन आ जाएगा, तो 1/4 - 1 यानी कि -3/4, तो -3/4 यानी कि -9t² / 4 आ गया, चेक कर लेना एक बार, है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, आ गया समझ में, तो यहां से क्या आ गया इक्वेशन ऑफ एन क्यू आ गई। अब इसका जो इंटरसेप्ट है वो कितना है 4/3 है, तो 4/3 इंटरसेप्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसको कहाँ से पास करो दोगे आप 0.4/3 से, समझ गए ना, इसकी जगह 4/3 और उसकी जगह 0, तो ये क्या आ जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी, और जब यहाँ से t की वैल्यू आ जाए तो क्या करना आप बताओ, t की वैल्यू आ जाएगी तो क्या करोगे, इसको आप पुट कर दोगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, और पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो लेंथ ऑफ pn, mq, qmq और pn, ठीक है ना, आ जाएगा आंसर, कर लोगे, है ना, इसको कर सकते हो पूरा। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है ये, इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लेटर सेक्टम ऑफ एन एलिप्स पासिस थ्रू एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस, देन द इसेंट्रिसिटी ई क्या होगी, इसेंट्रिसिटी ई किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो एक बात बताओ मेरे को, कोई भी इलिप्स है आपके सामने, मान लो ये इलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1, और इसमें ये कह रहा है आपसे एक लेटर सेक्टम से, किसी भी एक लेटर से, मान लो ये ए पी है और ये क्यू है, इस पी पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करी है, और वो पास कर रही है कहाँ से, इस पॉइंट से, यानी कि बी से, एक्सट्रीमिटी ऑफ वन माइनर एक्सिस, और ये पी पे पी का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए ई कॉमा b² / a, ये होंगे इसे कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, ये बी से पास कर रही है, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, b, सही है ना, पता है ना ये सारी चीज़ें, तो आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, यहाँ पर क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस एलिप्स के लिए, a² x, एक मिनट, यस a² x / इक्वेशन ऑफ क्या लिख रहा हूं मैं, ये नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बताओ क्या हो जाएगी, a² x / x1 - b² y / y1 = a² - b², क्लियर है बात, तो बस कुछ नहीं करना आपको, x1 y1 की जगह क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, चलो कर लेते हैं इसको पूरा, तो ये हो जाएगा a² x / ae - b² y / b² a = a² - b², सॉल्व करो थोड़ा सा इसको, तो a से तो a कट गया, तो क्या आ गया यहाँ से, ax / e आ गया, -b² से b² कट गया, तो ay आ गया, = क्या है a² - b². अब ये कहाँ से पास करानी है अपने को, 0, b से, तो 0, b इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये तो 0 हो गया, -ab = a² - b²
तो यहां से क्या आ गया आपके पास, बी और ए में रिलेशन आ गया। आप एक काम करो, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरे को, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वन, ये आएगा। ये ध्यान से देखो तो आप, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे थोड़ा सा। अब मेरे को ये बताओ आप कि यस, अब मेरे को ये बताओ आप कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है लिप्स की, वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होती है, सही है। तो आप देखो ध्यान से, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू, मेरे को एक मिनट रुको, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ई स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और एक मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें कुछ, एक मिनट रुको, इसमें साइन कुछ है ना, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी क्या छोटी सी, ए एक्स अपॉन ई माइनस ए वाई बचेगा, ठीक है। एलिप्स था ना ये, तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख ली मैंने, और यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, ए वाई आ गया इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे, जीरो कॉमा बी सेटिस्फाई कराया था ना अपन ने, ठीक है, जीरो कॉमा माइनस बी होगा ना, ये कोऑर्डिनेट नीचे है ना, कोऑर्डिनेट है ना, नीचे वाला क्या होगा, जीरो कॉमा माइनस बी होगा, ये होता है जीरो कॉमा बी, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो थोड़ा, है ना, जीरो कॉमा माइनस बी, तो माइनस बी होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस बी आएगा, तो माइनस बी आएगा तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का हो गया तो क्या चेंज आएगा, ऐसे ये चेंज आएगा। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ रहा है, दिस इक्वल टू वन, और वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर लेके जाओगे तो आप बी अपॉन ए आ जाएगी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन ए, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी अपॉन ए आ गई, और ई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बी अपॉन ए, तो एक काम कर सकते हैं बड़े आराम से अपन, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका एक बार और स्क्वायर कर दो, एक बार और स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर फोर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और उसकी जगह क्या लिख दोगे आप, है ना, स्क्वायरिंग कर दी ना दोनों तरफ, तो क्या आ गया ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, कर लोगे आराम से ई की, सही है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये रहा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा वन माइनस ई स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस ई स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या हो गया, मतलब आप आपस में क्या करना है, कोरिलेट करना है, क्या करना है, कोरिलेट करना है, जैसे कि अपने को ई में रिलेशन मिल जाएगा आपस में, ठीक है ना। चलें आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है ये, कंसीडर अ हाइपरबोला दिस वन, लेट द टेंजेंट एट पॉइंट पी 4.6 मीट द एक्स एक्सिस एट क्यू एंड लेट रेक्टम एट आर एक्स वन वाई वन एक्स वन ग्रेटर देन जीरो है, इफ एफ इज अ फोकस ऑफ एच व्हिच इज नियर टू द पॉइंट पी देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ क्यू एफ आर इज इक्वल टू। चलो देखो, अपने को एक हाइपरबोला गिवन है और कह रहा है इस हाइपरबोला पे क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए पी पॉइंट पर, 4.6 उसके कोऑर्डिनेट हैं, मीट द एक्स एक्सिस एट क्यू, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी पड़ेगी, तो चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लें इसकी, पहले इक्वेशन लिख लो इसकी, क्या बन जाएगी ये, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू वन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इसकी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख ली मैंने, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के बाद अब क्या करेंगे बताओ, अब इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या एक काम ये भी कर सकते हैं ना सीधे सीधे कि ये जो पॉइंट अपने को दे ही रखा है, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो सीधे आप निकाल लो, है ना, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स एक्स वन से, तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स माइनस टू इंटू वाई वाई वन रूट सिक्स वाई इक्वल टू फोर, तो सीधे हो जाएगा ना क्या, टू एक्स माइनस रूट सिक्स वाई इक्वल टू टू, और भी आगे कर सकता है क्या, चलो रहने दो, है ना, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, और आगे क्या कह रहा था, ये मीट करती है एक्स एक्सिस को कहां पर, क्यू पर, तो एक्स एक्सिस को मीट करने का मतलब क्या हुआ, वाई की वैल्यू जीरो, तो वाई की वैल्यू जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, वन, तो जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट आ गए, क्या आ गए, वन कॉमा जीरो, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या आ गए, वन कॉमा जीरो, तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। आगे क्या कह रहा है, एंड द लेटर रेक्टम एट आर एक्स वन वाई वन एक्स वन ग्रेटर देन जीरो है, तो इफ एफ इज द फोकस ऑफ एच विच इज नियर टू द पॉइंट पी देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एफ आर, तो मेरे को इसका क्या बनाना पड़ेगा डायग्राम। एक काम करते हैं, ये चीज समझ में आ गई, मैंने क्या किया, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है और इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, तो क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वन से रिप्लेस कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है ना, ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब देखो सुनो, ये आ गई मेरे को पॉइंट क्यू मिल गया, तो देखो एक्चुअल में कुछ फिगर कैसे बना होगा, ठीक है, ये हो गया, ये जीरो जीरो, और आपसे क्या कह रहा है कि एक कोई टेंजेंट ड्रॉ करिए 4,
फोर रूट सिक्स पर, तो मान लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हुई, ठीक है ना, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, ऑक्यूपेंट क्या रहा है 1.0, बिल्कुल सही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0 आ गया मान लो, ये पॉइंट क्या है क्यू, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट क्या है पी 4.6। और क्या कह रहा था कि ये जो है अपनी लेटर सेक्टम कट कर रही है कौन, टेंजेंट आर पॉइंट पे, लेटर सेक्टम क्या रही होगी यहाँ पे कहीं रही होगी मान लो लेटर सेक्टम है, तो ये मैंने मान ली एल आर, तो कुल मिला के क्या है अपने पास, ये पॉइंट क्या होगा इसका फोकस रहा होगा, तो फोकस क्या हो जाएगा इसका ए ई कोमा जीरो। तो एक काम कर सकते हैं छोटा सा आराम से, पहले इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लें, इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1+b² / a², तो b² / a² कर लो आराम से, b² / a² कितना है 2/4, तो 2/4 करोगे तो कितना आ जाएगा ये √6/2, तो ये क्या आ गया अपना इसेंट्रिसिटी ई आ गई। अपन को कुछ नहीं करना, इसका अपने को फोकस पता चल गया, क्या पता चल गया फोकस ए ई कॉमा जीरो, ए कितना है यहाँ पर, ए है अपना 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 √6/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मैं सीधे लिख दूँ यहाँ पे √6, 0, ये क्या आ गया आपका फोकस आ गया। अब इस फोकस से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अपन ने क्या किया है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है ना, उस लाइन को कहाँ कट कर रही है ये आर पर, तो इस आर के आप आराम से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस का है टेंजेंट का और इस लेटर सेक्टम का, और वो कितना आएगा जब मैं एक्स की वैल्यू √6 रखूंगा कहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन में, टेंजेंट की इक्वेशन मेरी क्या आई थी ये, तो इसमें रख लेते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू √6 रखो तो कितना हो जाएगा 2√6, 2 − 2√6/√6, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2/√6 - कितना आ जाएगा 2√6, तो कर लो तो वाई की वैल्यू आ गई, कुल मिलाकर वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से 2√6 − 2/√6, तो ये आ गया आपका 2 − 2/√6, आपका आंसर आ गया y की वैल्यू है 2 − 2/√6, तो y की वैल्यू को मैं कहाँ रख दूँ अब इस पॉइंट में ये रहा, तो ये पॉइंट r यहाँ लिखता हूँ मैं r पॉइंट क्या आ गया ये √6, कितना आ जाएगा ये 2 − 2/√6, तो कुछ नहीं करना अब आपको, r पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट क्या था अपना p, ये q, ये r, ये था p, पी क्यू आर, पी पॉइंट था अपना पी पॉइंट था 4.6, पी पॉइंट क्या था अपना 4.6, तो अपने को क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एफ आर, तो क्यू एफ आर कौन सा बन गया क्यू, ये एफ और ये आर, तो ये एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा काम करना, आप इसमें स्टेयर्स मेथड लगा देना, पहले पी पॉइंट फिर क्यू पॉइंट और फिर सॉरी पी नहीं कौन सा क्यू एफ आर, तो क्यू एफ और आर और अगेन पी पॉइंट, तो क्या मिल जाएगा अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा, ठीक है कर लोगे ये वाला काम, या फिर ये भी कर सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट कर दो सीधे आप, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ गया इसका एरिया आ जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है देखो, लेट सी वी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x, और कह रहा है देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू c एट पी 2.1, तो पहला काम तो क्या हो गया अपने को मिरर इमेज निकालनी किसकी, पैराबोला की मिरर इमेज निकालनी किसके अबाउट y इक्वल टू x के अबाउट, तो अपने को पता है कि y इक्वल टू x के अबाउट कभी मिरर इमेज निकालनी हो किसी भी कर्व की, तो क्या करना है x की जगह y और y की जगह x से रिप्लेस करना है, तो इसकी मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन क्या बन जाएगी सीधे, ये बन गई x² = 4y, तो आधा काम तो हो गया अपना, अब बस अपने को क्या करना है इसके इसमें पॉइंट इस जो ये अपना कर्व सी आया है ये वाला मिरर इमेज इस पे 2.1 पे क्या निकालनी है अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कर लोगे आराम से क्या हो जाएगा बताओ, ये कितना हो गया 2x = 2 × y + 1, तो 51 2 से 2 कट कर दें, x = कितना गया y + 1, तो क्या आ जाएगा x = y + 1, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा फोर्थ करेक्ट होगा, ठीक है हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या करना है अपने को, इफ द 3 नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला y² = 2x पास थ्रू द पॉइंट a, 0 देन a मस्ट बी ग्रेटर देन, तो पहली बात तो ये हो गई जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने को क्या करना है 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो रही है ना उसके लिए कंडीशन अपने को पता है कि है ना, लेकिन अपने को क्या करना है कंडीशन से अच्छा है कि क्या करें अपन सीधे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है y = mx - 2am - am³, इसमें a की वैल्यू कितनी है आप दिख रहे हो क्या m की वैल्यू है, a की वैल्यू है 4a = 2, तो a की वैल्यू कितनी होगी हाफ, a की वैल्यू इसमें हाफ रख दो आप, तो कितना हो जाएगा ये mx - m - ½ m³, अब कुछ नहीं करना अपने को पास कराना है कहाँ से इसको a, 0 से, तो a, 0 से पास कराओगे तो क्या हो जाएगा am - m - ½ m³ बराबर क्या हो गया 0,
तो यहां से m कॉमन लेके क्या कर दो आप, जीरो कर दो, एक तो m जीरो हो गया, दूसरा क्या बचेगा a माइनस वन माइनस हाफ m क्यूब, तो इसको थोड़ा सा और m क्यूब नहीं, m जीरो हो गया, m कॉमन ले लिया तो स्क्वायर बचेगा, तो यहां से आप देखो तो क्या आ रहा है अपने पास, m स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है a माइनस कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका a माइनस वन इंटू टू, यानी कि टू इंटू a माइनस वन आ गया ये, ठीक है। अब m स्क्वायर क्या है अपना, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि एक तो स्लोप क्या हो गया जीरो हो गया, तो m हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, तो ये जो राइट साइड है वो भी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब a क्या आ गया ग्रेटर देन वन आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, इट इज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर, कम टू क्वेश्चन नंबर 27, है ना, क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। देखो दी लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ दी कॉर्ड ऑफ दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, अपने को क्या कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ दी कॉर्ड ऑफ दी सर्कल दिस विच इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस, तो अपने को बताना है कि लोकस क्या होगा मिड पॉइंट का, तो कर लेते हैं फटाफट से। अपने को सर्किल गिवन है, सर्किल का आपको पता है कि जब भी मिड पॉइंट दिखा हो कॉर्ड का, तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लिखते हैं अपन, सीओसी की इक्वेशन लिखते हैं अपन, टी इक्वल्स टू एस वन, क्या लिखते हैं टी इक्वल टू एस वन। टी क्या होती है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे अपन एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे अपन वाई वाई वन से, तो क्या हो जाएगा देखो आप ध्यान से, तो मिड पॉइंट क्या मान लिया मैंने इसका एच कॉमा के, दैट इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस, तो क्या हो जाएगा यहां से एच एक्स प्लस के वाई माइनस क्या जाएगा इक्वल माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, वो तो कैंसिल हो जाता है हमेशा, है ना, कॉन्स्टेंट पार्ट, तो क्या करें अपन सीधे लिख देते हैं एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू क्या आएगा एस वन, दैट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी टी इक्वल टू एस वन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या करना है अपने को, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला भी है ये इसकी, तो क्या हो जाएगी सीधे सीधे एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगी, तो बताओ ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर कितना है यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है यहाँ पर 9 और 16, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अब सॉल्व कर लो, अब ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हैं सेम है, तो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से x और y को रिप्लेस करते हुए ना, x y को रिप्लेस m की वैल्यू से करते हैं यहाँ से उठा लेते हैं सीधे सीधे ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है सेम है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा m इक्वल टू माइनस h अपॉन k, अब कुछ नहीं करना है आपको प्यार मोहब्बत के साथ m की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, और m की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको h और k में इक्वेशन मिलेगी, तो वो क्या आ जाएगी देख लेते हैं फटाफट से, y इक्वल टू h अपॉन k इंटू x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 एच स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर माइनस 16, इसको आप सॉल्व कर लो आपको क्या मिल जाएगा h और k में इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये था आपका गुणनीति का सॉल्यूशन, इसको आप अच्छे से कर लें, बाकी कोई डाउट है तो उसके लिए आप मिल सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।